throw, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah, twerking like Molly. Hi everyone, मैं आपका दोस्त साहिल आज अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ Xiaomi के न्यू फोन की Mi 8 Lite और Mi 8 Youth Edition. ये फोन 19 तारीख को चाइना में लॉन्च किया था Xiaomi ने और 25 तारीख को पहली सेल थी. आज मुझे ये डिलीवर हुआ है. मैंने लिया है कलर वी लाइट गोल्ड. तीन कलर के साथ ये अवेलेबल है, ब्लैक, वी लाइट गोल्ड और ब्लू कलर. तो मुझे ये कलर बहुत पसंद आया. ये सिर्फ 6GB वेरिएंट में अवेलेबल है ये और ब्लू कलर. ब्लैक 4GB में अवेलेबल है. तो इस कलर के लिए मैंने दो दिन वेट की एक्स्ट्रा, वरना मुझे 25 तारीख को ही मिल जाता मी स्टोर से, मगर मुझे ये कलर लेना था. तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है, बजटेड फ़ोन है. सिर्फ 1399 युआन से शुरू होता है 4GB वेरिएंट. ये 1700 युआन का है जो इंडिया में नियर अबाउट 1750 से 1800 के बीच में पड़ेगा, और जो 4GB वेरिएंट है वो पड़ेगा नियर अबाउट 1450 के पास से 15000 के बीच में. ये एक कंप्लीट आप कह सकते हो कॉम्पिटिटर है Honor 8X का, क्योंकि इसमें है स्नैपड्रैगन 660, कैमरा 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट कैमरा है 24 मेगापिक्सल का. बाकी हम सब कुछ देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग में. तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, और अपना प्यार आप मेरे चैनल पे ऐसे ही रखिए जैसे आप रख रहे हैं. तो बिगिन करते हैं. पर काफ़ी कलरफुल बॉक्स दिया है Xiaomi ने, और ये है मेरा बिल. आप देख सकते हैं 1699 युआन जो इंडिया में 18000 के पास है. 6GB 64GB वेरिएंट है मेरा. तो Xiaomi 8 Mi का लोगो, Xiaomi 8 यूथ एडिशन और लाइट आप कह सकते हैं इसको. तो इसके फीचर्स देखते हैं. 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6.26 इंच की स्क्रीन और स्नैपड्रैगन 660 का AI प्रोसेसर, 6GB और 64GB स्टोरेज. तो बॉक्स खोलते हैं. बॉक्स खोलने से पहले एक चीज़ और देखते हैं. ये मुझे मिला है गिफ्ट Xiaomi की तरफ से, Xiaomi एल्युमिनियम रोलर बॉल पेन. तो ये मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करने पे मुझे ये फ्री में मिला है. तो इसे देख लेते हैं एक बार. ये रहा पेन, पार्कर लुक है अगर आपको याद होगा. पार्कर्स पेन आते थे काफ़ी टाइम पहले, तो वैसा है एल्युमिनियम पेन. चलो इसे साइड पे रखते हैं और अब आते हैं फिर से अपने बॉक्स की तरफ. तो इसमें एक और बॉक्स है जो देखते हैं क्या है उसमें. तो पहले आता है हमारा सिम ट्रे जेक्टर, फिर ये अडेप्टर है. 3.5mm जैक नहीं है इस फ़ोन में. ये सिलिकॉन कवर. इस फ़ोन की ग्लास बैक है तो सिलिकॉन कवर मस्ट है इस फ़ोन के लिए. और ये थोड़ा मैनुअल इंस्ट्रक्शन और वारंटी कार्ड है तो वैसे चाइनीज़ में. तो अगर आप देख सकते हैं इसमें सिम में हम मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं और एक नैनो सिम. तो हाइब्रिड सिम ट्रे टूल सिम ट्रे है तो काफ़ी अच्छा है ये चीज़. ये फ़ोन 256GB तक मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है. तो फ़ोन को देखेंगे बाद में, पहले देखते हैं इसका चार्जर. ये फ़ोन क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है 3.0, मगर Xiaomi ने दिया है हमें नॉर्मल चार्जर 5V 2A का. तो हमें 5V 3A का क्विक चार्जर अपने आप लेना पड़ेगा. और एक अच्छी बात है इस फ़ोन में हमें मिला है USB Type-C, तो चार्जिंग काफ़ी तेज़ होगी. मैं चार्जिंग टेस्ट जल्दी लाऊंगा. तो ये रहा हमारा फ़ोन, बहुत ही प्यारा है. कलर है टू लाइट गोल्ड, ग्लास लुक है बैक से जो बहुत ही प्यारी लग रही है. Mi 8 Lite. तो ये रहा हमारा फ़ोन विदाउट स्टिकर. नॉच है यहाँ पर एक छोटी सी. 6.26 इंच की स्क्रीन है. यहाँ वॉल्यूम की और पावर बटन. सिंगल स्पीकर है. माइक, USB-C चार्जिंग पोर्ट, 2 एंटीना. यहाँ आया हमारा सिम ट्रे. एक बार सिम ट्रे भी देख लेते हैं. तो इसमें दी है हाइब्रिड सिम ट्रे. आप दो नैनो सिम या एक नैनो सिम और माइक्रो USD कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जो उसकी 256GB तक सपोर्ट करता है.
मैं अपना चाइनीज सिम डाल रहा हूँ इसमें। लास्ट वीडियोस में काफ़ी लोगों ने पूछा ये फ़ोन कौन सी वेबसाइट से लेते हैं, मैंने कहाँ से लिया। मैं एक्चुअली चाइना में रहता हूँ तो ये मुझे प्रोडक्ट ईजिली मिल जाते हैं और मैं ले पाता हूँ। तो ये डाला हमने सिम और देखते हैं। और ऊपर की साइड इसमें नॉइस कैंसिलेशन है, आईआर ब्लास्टर नहीं है इस फ़ोन में। तो बैक लुक आप देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल कैमरा, एक फ्लैशलाइट और ग्लास। बैक लुक काफ़ी अच्छी लग रही है। कलर बहुत प्यारा निकाला है इन्होंने इस बार। हुआवे के बाद शाओमी ने एक कवर निकाला है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ आई नॉच और हम करते हैं हमारा फ़ोन स्टार्ट। शाओमी इस फ़ोन में है MIUI 9, MIUI 10 अभी तक नहीं आया इस फ़ोन में, तो जल्दी आ जाएगा अपडेट। तो फिंगरप्रिंट ऐड करते हैं। तो काफ़ी क्विक है फिंगरप्रिंट आप देख सकते हैं। और अब फेस लॉक भी ऐड कर लेते हैं। ये हुआ हमारा फेस लॉक चेक, एक बार ट्राई करके देखते हैं कितना, काफी तेज है वैसे। तो एक बार फिंगरप्रिंट लॉक भी खोल के देखते हैं कितना तेज है। तो ये भी काफी क्विक है। तो ये हमारा हुआ फोन स्टार्ट। एक बार इसके स्पेसिफिकेशन देखते हैं। CPU Snapdragon 660, बैटरी कैपेसिटी 3350, रियर कैमरा 12 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, स्क्रीन साइज 6.26, रैम 6GB, एंड्रॉयड 8.10 और ऑक्टा कोर 2.2 GHz। तो अगर आपको नॉच नहीं पसंद तो अगर हम सेटिंग में फुल डिस्प्ले स्क्रीन डिस्प्ले में जाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी हाइट नॉच। तो जिन लोगों को नॉच नहीं पसंद वो हाइट कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड ऐप। तो अब हम इसका देखते हैं Geekbench का स्कोर। तो सिंगल कोर का स्कोर है 1630 और मल्टी कोर का है 5871। तो स्कोर इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा है। अब हम एक बार चेक करेंगे इसका Antutu बेंचमार्क। तो स्नैपड्रैगन 660 है तो स्कोर काफ़ी अच्छा है, 143,636। ऑनर 86 में है किरिन 710 जो स्नैपड्रैगन 660 का के बराबर है। तो आप देख सकते हैं उसका स्कोर आया था 137,254। तो मी 8 लाइट का स्कोर काफ़ी अच्छा है। तो बाकी स्पीड टेस्ट हम ट्राई करेंगे। एक बार फिर से फीचर्स देखते हैं, डिटेल फीचर्स। स्नैपड्रैगन 663, एंड्रॉयड 8.10, एंड्रीनो 512, सीपीयू ऑक्टा कोर 2.2 GHz, रेजोल्यूशन 1080x2280, बैटरी कैपेसिटी 3350। तो प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। तो एक स्पीकर का चेक करते हैं। तो स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब देखते हैं इसका कैमरा। तो डुअल रियर कैमरा है 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का विद f1.9 एपर्चर एंड f2.2 एपर्चर। पिक्सल साइज है 1.4 माइक्रोन और सोनी का सेंसर दिया है IMX363। फ्रंट कैमरा है 24 मेगापिक्सल का विद f2.2 एपर्चर और 1.8 माइक्रोन। तो अगर हम फ्रंट फ्लैश की बात करें तो फ्रंट में फ्लैश है मगर इन स्क्रीन फ्लैश है आप देख सकते हैं। तो ये है इसकी फ्लैश। तो अगर हम करें कैमरे की बात तो अगर हम रिकॉर्ड करेंगे वीडियो तो हम फुल HD 1080p 30 FPS के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो।
और रियर कैमरे में टाइम लैप्स और स्लो मोशन की ऑप्शन भी है। हम रियर कैमरा में कर सकते हैं अल्ट्रा HD 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग। इस फ़ोन में OIS सपोर्ट नहीं करता, EIS सपोर्ट करता है। अब हम खेलेंगे गेम PUBG ग्लोबल वेरिएंट खेल रहा हूँ, तो पहले देखते हैं इसके ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स में हम HD में खेल सकते हैं गेम, HDR में नहीं, आपको GFX टूल यूज़ करना पड़ेगा। स्नैपड्रैगन 660 है तब भी हम HDR में नहीं खेल पाएंगे। तो एक छोटा सा गेम प्ले चलाते हैं। तो अभी तक गेम काफ़ी स्मूथ चल रही है, बिगनिंग से लैग नहीं हुई। मोस्टली मैं चाइनीज़ वेरिएंट खेलता हूँ क्योंकि मैं चाइना में रहता हूँ। तो लास्ट ऑनर 8X मैक्स और ऑनर 8X के वीडियोस में काफ़ी लोगों ने कहा था कि मुझे ग्लोबल वेरिएंट खेलना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा हैवी होता है। तो ये मुझे VPN के थ्रू खेलना पड़ रहा है, ये नॉर्मली नहीं चल रहा था, मगर गेम प्ले काफ़ी स्मूथ चल रहा है। और अगर आप इस फ़ोन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उस रिगार्डिंग आपको जल्द से जल्द आंसर करूंगा। अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं, कोई कंपैरिजन चाहते हैं तो वो भी बताइए। काफ़ी लोगों का रियलमी प्रो 2 का आया था मगर वो चाइना में लॉन्च नहीं हुआ तो वो मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊँगा, तो ये मैंने किल किया एक बूट। और इस फ़ोन का गिव अवे भी मैं कर रहा हूँ मगर वो मेरे मेन चैनल पे है, क्योंकि ये चैनल मेरा अभी मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव नहीं हुआ है, रिव्यू में चल रहा है, मे बी हफ्ता लगेगा। तो इस चैनल में भी कोई गिव अवे शुरू नहीं हुआ है। ये दूसरा बूट किल किया तो यहाँ हैं सारे बूट्स। तो अगर आप गिव अवे ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं उसका लिंक दूंगा नीचे, और डिस्क्रिप्शन में मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखी है इस फ़ोन के बारे में। मगर तब भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।